कौन जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी ये मेरे पास डीलिंक का राउटर है, DAP 1360। इसकी मेरी पहले भी वीडियो बनी हुई है, ठीक है जी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इस टाइम फुल्ली मुकम्मल तौर पे डेड हो चुका है, और ये इस टाइम मुकम्मल डेड है। डेड कंडीशन में कैसे गया है, इस पर रॉन्ग फर्मवेयर करने की वजह से, हाई लेवल या इससे अप वर्जन का फर्मवेयर करने की वजह से ये डेड हो चुका है, ठीक है। और इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, ये है तो डीलिंग का, लेकिन हमने इस पर डंप 10-301 या F3 दोनों एक ही हैं, उन दोनों की डंप, उसकी डंप डाली थी और ये टेंडा में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ था, क्योंकि इसका जो CPU प्रोसेसर मेन होता है वो टेंडा के साथ उसका मॉडल मिलता था, इसलिए हमने इस पर डंप डाल के इसको टेंडा में कन्वर्ट किया था। वो मेरी वीडियो बनी हुई है, जिस भाई ने नहीं देखी मेरे चैनल का विज़िट कर लें, हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। वो Part 2 बने हुए हैं, Part 1 और Part 2। रीड राइट की भी वीडियो मुकम्मल बनी हुई है, जिसको नहीं पता रीड राइट और प्रोग्रामर का और तो IC उतारने का लगाने का मुकम्मल वीडियो मेरी बनी हुई है। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को वॉच करें, इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें। और इस राउटर को इस टाइम ये डेड जो हो चुका है, मैं इसको अभी पावर लगा के आपको चेक करवाता हूँ ये किस कंडीशन में है इस वक्त। ये मैंने इसको पावर लगाई है और मैं अभी इसको अडाप्टर लगाता हूँ। हो सका तो आपको नज़र आएगा कि मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। कैमरा से ही ये देखें, मैं लाइट को ज़रा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए कि ये इस टाइम किस कंडीशन में। ये देखें ये दो लाइटें एक बार ब्लिंक करके दोबारा स्टक हो जाता है। मैं दोबारा बंद करके ऑन करता हूँ, अभी इधर स्टक हो जाएगा, हम जितनी देर मर्जी इसको इधर रख लें ये इससे आगे नहीं जाएगा। ये वाईफाई वाली लाइट भी नहीं ऑन हो चुकी, दोबारा बंद करके ऑन करता हूँ और ये देखें लाइटें ब्लिंक करके और इधर स्टक हो जा रहा है। और इसको हम आज रिपेयर करेंगे, इसकी IC को उतार के इसकी डंप फाइल बस लगाएंगे, दोबारा राइट करेंगे और इसको लगा देंगे हमारा राउटर। उम्मीद है कि ओके हो जाएगा, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं, तो आपका काम तो बनता है थोड़ा लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसका मैंने नेट वगैरह पहले ही ओपन करके रखें ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं जल्दी से इसका ये अडाप्टर उतार लेता हूँ और ये एंटीना को मैं ओपन कर लेता हूँ। आप इन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और ये मैं इसको डिसेंबल अभी कर रहा हूँ और ये इसका ये लॉक का निशान होगा, आपने इस लॉक के ऊपर ऐसे करना, बस ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये इसकी मेन फाइल है और ये हम IC को बस उतारेंगे और इसको राइट करेंगे। ये क्लिप अडाप्टर के ज़रिए नहीं हो सकती, क्लिप अडाप्टर से ये डायरेक्ट राउटर ऑन हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग का मुझे एक दफ़ा एक दोस्त का कमेंट आया था, भाई ये क्लिप अडाप्टर से भी तो हो सकता है ना, आप लोग ऐसे कर रहे हो। तो मैंने कहा यार क्लिप अडाप्टर से भी हो सकता है, कुछ राउटर हो जाते हैं कुछ डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इसको उतारना पड़ेगा, हमें इसको मैं अभी बाहर निकालता हूँ बोर्ड से। और ये इसका पावर बटन है, इसको साइड पे कर लें। एंटीनास को हम इसके अंदर से कवर के अंदर डाल के इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि कोई चीज़। और ये देखें जी ये
हमारा राउटर रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी केबल को उतारना है, वो आईसी को उतारना है सॉरी। उसके लिए आपने ये पेस्ट लगानी है पहले थोड़ी सी, इसकी जो थोड़ी सी लगाएं, ज़्यादा नहीं लगानी ताकि ज़्यादा बोर्ड पे भी गंद ना फैले। ये लग चुकी है। उसके बाद आपने सोल्डरिंग वायर से भी उतर सकता है, लेकिन मैं सोल्डरिंग आयरन से ही उतारूँगा। हीट गन से भी उतर सकता है। आप इन साइडों को आप एक साइड से सोल्ड करें मुकम्मल। मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ये मैंने आगे वीडियो बनाई हुई है, मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जल्दी से इस आईसी को उतार लेता हूँ। और ये हमने आईसी उतार ली है, अभी मैं ये इसके आईसी से सोल्डरिंग उतारता हूँ। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ने वीडियो स्टॉप की है, मैं इसलिए वीडियो कट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 15 मिनट की एक वीडियो, 20 मिनट की एक वीडियो की इसकी मुकम्मल आगे वीडियो बनाई हुई है, मुकम्मल तरीकाकार बताया स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा था कि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, आप इनको दोबारा से एक बार डी सोल्ड कर लेना। जिस भाई को ऐसी उतारने का नहीं पता वो दोबारा से वीडियो देख सकता है। अब मैं इसको वॉश कर लेता हूँ। वाश आपने अच्छी तरह करना है ताकि कोई कचरा वगैरह ना रहे। आईसी को भी आप कर लें साफ। और इसकी रीड राइट की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, इसलिए मैं दोबारा रीड राइट की वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं बस इसको आईसी को भी राइट करके दोबारा आपको फिर दिखाते हैं आगे का स्टेप, बाद में करते हैं। अभी मैं इसको कंप्यूटर पर राइट करता हूँ डम फाइल इसके के ज़रिए, और दोबारा फिर चेक करते हैं। ये मैं अभी आईसी को राइट कर लिया है मैंने इसका फर्मवेयर। अब हम इसको आईसी को लगाते हैं इसके अंदर और चेक करते हैं कि क्या हमारा राउटर वर्क किया है कि नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं आईसी को लगा के फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं अभी आईसी को इधर लगा देता हूँ, आप साथ साथ ही रहिएगा और इतनी देर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस साइड से भी हम सोल्ड कर लेते हैं इसको। अब इसको अच्छा सोल्ड करें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और ये मैंने अच्छी तरह इसको लगा दिया है, ये पॉइंट है थोड़ा सा, इस पॉइंट को मैंने लगा दिया अभी। ये पॉइंट भी मेरा सोल्ड हो चुका है। अब मैं इस राउटर को इधर इसके अंदर इसका बटन पावर बटन होगा हम वो लगा के और इसको ऑन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा राउटर वर्क किया है कि नहीं।
ये हमने इसका पावर बटन है, इसको इसके अंदर लगाते हैं। उधर इधर से हम और ये हमने इधर से लगा लिया और इधर से मैं केबल लगाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम अभी रूटर को चेक करते हैं, इधर केबल लगाते हैं और इधर इधर तक तो आगे भी स्टक होता था, आगे देखते हैं कि क्या हमारा रूटर वर्क करता है कि नहीं। ये देखें जी हमारा राउटर माशाल्लाह 100% वर्किंग शुरू हो गया, वाईफाई लाइट भी ब्लिंक कर रही है और ये सिस्टम लाइट भी ब्लिंक कर रही है। अब मोबाइल से आपको मैं चेक करवाता हूँ कि हमारे राउटर का नाम आ रहा है वगैरह कि नहीं। ये देखें जी ये हमारा इसका नाम आ रहा है 10.48B2। ये भी फुल सिग्नल हो जाते हैं, ये इसी का है। अभी एंटीना नहीं है अटैच, मैं अभी एंटीना अटैच करता हूँ फिर आपको दिखा। और ये मैंने अभी एंटीना अटैच कर दी है, आपको नहीं यकीन ये यही वाईफाई राउटर। मैं अभी इसको इधर से ऑफ करता हूँ और आप देखें ये भी टर्न ऑफ हो जाएगा। इसलिए तो ये रहते ही है, ये वर्क नहीं कर रहा। ये देखें बंद कर काम करेंगे और देखें कि ये इन मोबाइलों के अंदर प्रॉब्लम है, ये शो करते रहते हैं। ये देखें अभी भी शो कर रहा है, वैसे अभी भी ये कर रहा है, अभी ख़त्म हुआ है। देखें जी ये उन मोबाइलों में है, ये थोड़ी देर लगाते हैं बाकी। अब मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ और आप इधर देखिएगा कि ये अभी ऑन हो रहा है। इतनी देर में इसका कवर लगाते हैं जी, आप मोबाइल पे देखते रहें कि ये अभी ये वाईफाई की LED ग्लो कर गई है। अभी हम इधर देखें, ये देखें ये अभी आ चुका है, इसका नाम हुडी आ चुका है, ठीक है। और ये यही वाईफाई राउटर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।